आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगरा की पौश कॉलोनियों में डेंगू के टाइगर मच्छर का प्रकोप सबसे ज्यादा रहा। शहर के 5 पौश क्षेत्र में डेंगू के 118 मरीज मिले हैं। अक्टूबर में बच्चों के मुकाबले दोगुना वयस्क मरीज मिले हैं। आगरा के पौश कॉलोनियों में डेंगू के टाइगर मच्छर का प्रकोप सबसे ज्यादा रहा। शहर के पौश क्षेत्र में डेंगू के 118 मरीज मिले। अक्टूबर में बच्चों के मुकाबले दोगुने वयस्क मरीज मिले। डेफिनेटली केसेस लोड जो है वो कम हो गया है पिछले कुछ दिनों से, स्पेशली जब से दिवाली का जो पीरियड आया है उसमें कुछ कमी आई है केसेस के नंबर में, पर जो सिवियरिटी है, जो पुराने केसेस हैं वो अब और खराब होके आ रहे हैं। कई सारे केसेस ऐसे हैं जिनकी प्रोग्नोसिस या उनका आउटकम अच्छा नहीं है। अब उस तरीके के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं जो सीरियस हैं, सिर्फ नॉर्मल बुखार चलते फिरते पेशेंट्स कम आ रहे हैं, पर सीरियस डेंगू के पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। ये कह लीजिए वो पुराने केसेस हैं जो बिगड़ गए हैं, या अब इतने लंबे समय से जो आ रहा है उसकी सिवियरिटी बहुत बढ़ गई है। शहर के दयालबाग, कमलानगर, आवास विकास कॉलोनी समेत 5 कॉलोनियों में सबसे ज़्यादा डेंगू के 118 मामले मिले। इसकी वजह डेंगू का एडीज एजिप्टाई मच्छर रहा, जो 25 से 40 ml साफ पानी में पनप जाता है। इन क्षेत्रों के घरों में सर्वे करने जब टीम गई तो एसी से टपकने वाले पानी के डिब्बे, कूलर में डेंगू का लार्वा मिला था। अगर ब्लीडिंग आ रही है और प्लेटलेट काउंट आपका कुछ भी है 1 लाख से नीचे आ रहा है और कहीं से भी कोई ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन है, जैसे लेटरिन से खून आना या पेशाब के रास्ते खून आना, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाना, नाक से, दाढ़ से, इन जगहों से खून आ रहा है, तो वो खतरे के संकेत हैं। उस वक्त आपको एडमिट होके आगे अपना प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन वगैरह का प्लान करना ही पड़ेगा, वो फिर इमरजेंसी मैनेजमेंट है, इसमें आप कोई डिलाई नहीं बरत सकते। अधिकांश एसी के पानी में लार्वा पाया गया। पहले चरण सितंबर में डेंगू बच्चों में ज्यादा मिल रहा था। शुरुआती महीने में 70% बच्चे रहे। अक्टूबर नवंबर में वयस्क मरीज तेजी से बढ़े और इन 2 महीनों में बच्चों की संख्या 20-30% तक रह गई। यही है, जब भी सीजन चेंज होता है और आपको एक भनक लग जाती है कि इस सीजन में डेंगू आता है, उसमें सावधानी बरतें, पहले से मच्छर को पनपने ना दें या क्राउडेड एरियाज में अपनी लिविंग कंडीशंस को और सुधारें। जहाँ भीड़ भड़क के एरिया होते हैं, जहाँ पानी वगैरह इकट्ठा होता है, गंदी नाली वगैरह है, उन जगहों पर सफाई पहले से बरती जाए। डेंगू के कुल 902 मरीजों में शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा 644 मरीज मिले। इनमें से दयालबाग, कमलानगर, यमुना पार, आवास विकास कॉलोनी, वैभव नगर में सबसे ज्यादा मामले पाए गए। देहात में 258 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। इनमें से पिनाहट, बरौली, अहिर, अकोला में सबसे ज्यादा मरीज मिले। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।